से जो इनके गर्दन पर निशान है, कहीं ना कहीं गर्दन दबाने की भी प्रयास किया गया है। और ये जो औरत है कह रही है कि जो हमारे ननद और देवर दोनों इस महिला को पानी में ले जा कर के ढकेल दिए। पता नहीं मेरी बच्ची किस साल में होगी, कहाँ होगी, हमको कुछ नहीं मालूम है। आपकी बच्ची से मिलने इसके पति के हिस्से, पति बोलता था कि उसको मार दो, इसको रास्ता से हटाना चाहते हैं। इसीलिए रात को इन लोगों ने प्लान। सवाल है कि समाज में हमेशा ये देखने को मिलता है कि दहेज को लेकर के काफ़ी प्रताड़ना महिलाओं को झेलना पड़ता है, औरतों को झेलना पड़ता है, लड़कियों को झेलना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार इनका भी कहना है कि जो हमारे हस्बैंड साहब हैं, कैमरामैन जाइए, जो हमारे हस्बैंड साहब हैं, हमको सब मिला है, ऐसा बात नहीं है कि कुछ नहीं मिला है, सब मिला है। मेरे मामा दहेज आपने दिया है सब? जी, मेरे माता पिता हैं जी, मेरे मामू मेरे हमको बचपन से शौक से रखे थे, तो शौक से शादी किए, तो बचपन से मतलब पूरा दहेज दिए हैं। फ्रिज नहीं है, वाशिंग मशीन नहीं है, सब कुछ। उसके बाद से इन लोगों को पैसा भी दिलाया था, सब दिलाया। पेट नहीं है भरत, माने छोट तनी मुनी पेट नहीं है, बहुत बड़ा पेट हो गया है। उसके बाद से पैसा और मांग रहा था सब, तो दहेज का पैसा मांग रहा है सब। जी, दहेज माने इतना साल शादी हो जाने के बाद एक 5 साल की बच्ची आपके गोद में है, उसके बाद भी उन लोगों का मन नहीं भर रहा है। कह रहा सब कि हम खर्चा नहीं देंगे, शुरू से ही कहता है सब हम खर्चा नहीं देंगे। अब की बार हम जबरदस्ती लड़ रहे थे, तुम ही लोग देगा, तुम नहीं देगा तो कौन देगा, क्यों शादी किया, सब पैसा से ही शादी कर लेते लोग। तो कहा कि हम सबीर आलम का पैसा दे के शादी किए थे, कि पैसा से हम लोग कोई करेंगे, जमीन जायदाद से करेंगे, तुमसे हम तुम लोग देख के नहीं किए थे हम लोग। तो हमका इतनी बड़ी बच्ची हो गई, उसके बाद अभी कर रहा है तुम लोग, तो तुम दूसरे की पैदा लेकर आई है तुम। हाँ, बोल रहे कि दूसरे की लड़की है। हाँ, दूसरे की। वही हम कहें कि तो ठीक है, जिसकी है हमको साबित कीजिए कि कहाँ की है। दूसरे की नहीं ना है? नहीं, उसी की है। हाँ, उसी की है, लेकिन वो जान बुझ के जब बच्ची मेरी पेट में थी तब भी हमको दवा खिलाया था सब मारने के लिए, जो बच्ची पैदा ना हो। हाँ, तो गर्भपात की दवा खिलाया था जी, तो हम उस कंडीशन में भी हम अपने घर गए थे। उसी टाइम हमको हॉस्पिटल में नहीं लिया जा रहा था, अल्ट्रासाउंड वाला नहीं ले रहा था, कह रहा था कि पुलिस केस है, हम नहीं लेंगे। उसी टाइम हमारा बहुत कंडीशन ख़राब था, तो फिर भी हम बच गई। पी देवी में हमारा इलाज चला, 9 महीना पूरा पी देवी का इलाज चला है हमारा, उसी में हुई है। अभी तक हम सारा कागज पत्र सब रखे हैं। उसके बाद हम जब घर में लेकर आए, जब मेरे ससुर इंतकाल किए थे, डेट कर गए, तो हम आए तो ये सब सबूत मांगने लगा सब। अच्छा, क्यों आपको छोड़ना क्यों चाह रहे हैं वो, क्या कमी है? पैसा के वजह से और कुछ नहीं, दहेज बस पैसा, हमको पैसा दो लो तो हम तुम्हारी बेटी को रखेंगे, पैसा नहीं दोगे लो तो हम बेटी को नहीं रखेंगे। हाँ, तो आपके पति का कोई अवैध संबंध वगैरह नहीं ना है? होगा, है, शर्मी में था, हम पहले सुने थे, अभी 2 साल के बेदर में हम कुछ नहीं जान रहे, पहले का हम जान रहे थे कि उसका था, अभी का हम नहीं जान रहे। अभी सिर्फ वो हमको सिर्फ इसी यही धमका रहा था कि तुम्हारा हम खर्चा नहीं देंगे, अपने बाप के घर जा, अपने बाप से मांगो, अपने मामों से मांगो, जो शादी किया है उसी से मांगो। मैंने इतना दिन से आपके साथ रहे और एक बच्चा भी हो गया, उसके बाद भी पेट भर नहीं रहा है। नहीं, कह रहा कि हम नहीं देंगे। तो आपके जो ननद थे और देवर थे वो क्यों मारना चाहते थे आपको? वही कहा था इसका पति के हिस्से। पति बोलता था कि उसको मार दो, इसको रास्ता से हटाना चाहते हैं। इसीलिए रात को इन लोगों ने प्लान बनाया। हाँ, वो अपने में राय कोयले बलो, बस ढुकी लाकर सुन ले बड़ी। हाँ, बस वे राय को कहीं मार और नदी में ले जाकर रात के फेंक दे। रात में नदी में फेंके थे आपको? जी, रात में। कितने बजे रात को फेंके थे? हम तो उठे थे 1 बजे, लेकिन ये सब करते 2-3 बज ही गया होगा। वो तो जो हमको निकाले हैं वो कह रहे थे कि लड़की को 4 बजे तक हम निकाले हैं इसको, यानी सुबह का समय था। हाँ, हम जब डूबे हैं उस टाइम रात था, लेकिन वो जब निकाले हैं मतलब यानी आपको नदी में फेंक दिया गया जी, पोखरा है नॉट, वे नॉट जाकर निकलने बाद गांव में आकर हल्ला कोयले बात, गांव के लोग 5 बजे बोर में दौड़ के एम्बुलेंस से लाद के तब यहाँ लेकर आए। मैंने कोनो कसर छोड़ले नहीं खो सो, जो नदी में डुबा के मुआ दिया तो ये झूठ हो जाए, बदनाम हो जाए कि कहीं भाग गई, अपने से डूब कर मर गई, भाग गई किसी लड़का के साथ, भाग गई। इसका पता नहीं चलने देना है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके गांव के लोगों की नज़र आप पे पड़ी। जी पड़ी, तो वो हमको निकालें, हमको होश में लाएं, कंबल ओढ़ाएं, 2 आदमी को बुलाएं, दिखाएं। उसके बाद वो 2 आदमी मेरे पास खड़ा था, औरत भी थी लो, तब ये लोग जाकर पूरा गांव के लोग को बुलाकर लेके आए कि चलिए ऐसा ही सब बात है, हमसे नाम पूछें किसके घर की हो, तो हम बताएं हम शब्बीर आलम की भगनी हैं और मेरा शादी मोहम्मदपुर अब्दुल मनान साहब के घर हुई है, ऐसा ऐसा बात है, हमको रात में ऐसा ऐसा किया सब।
उस वक्त हम बहुत डरे हुए थे, मेरे तो मुँह से उतना आवाज़ नहीं निकल रहा था। वो हमको तसल्ली दे रहे थे, गमछा उड़ा रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि मतलब ठीक हो जाए, बेहोश बेहोश की तरह भी हो रहे थे, तो पानी उनी मार रहे थे। वो ना होते तो हम लेकिन तो वो आपको एकदम बिल्कुल मार देना चाहते थे पानी में डुबा कर। जी अगर हम वो नहीं होते तो हम कब का मर चुके होते, मेरा पता भी नहीं चलता, मेरा पता भी नहीं चलता, मेरी बच्ची अकेली पड़ जाती। बच्ची की याद आ रही है? वो पता नहीं मेरी बच्ची किस साल में होगी, कहाँ होगी, हमको कुछ नहीं मालूम है। आपकी बच्ची से भी मिले नहीं दिया जा रहा है? मेरी बच्ची अभी वहीं है, सोई थी मेरे ही पास, सोई थी, रात में ही सब कांड किया है सब। अब पता नहीं अब मेरी बच्ची कहाँ है, किस साल में है, कैसा रखा है सब। तो चलिए देखिए कि एक माँ का फरियाद है, साफ तौर पर कहना है कि वो हमें मार देना चाहते थे। दहेज के लोभी जो है समाज में कहीं ना कहीं जहर की तरफ फैल रहे हैं। दहेज के चलते ननद और देवर दोनों इस महिला को पानी में ले जा करके ढकेल दिए। संजोग बस ये रहा कि वहाँ के जो लोग स्थानीय लोग थे इनको बचाएं और ये आज सही सुरक्षित है। हालांकि एक ही फरियाद है कि जो हमारी बच्ची है हमसे दूर है, न जाने किस हाल में हमारी बच्ची होगी। यही खबर मैं दिखा रहा था सिवान जिले के गोरियाकोटी थाना अंतर्गत। ये खबर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए 24 न्यूज़। धन्यवाद।